जी हमारे गांव की समस्या पानी की पीने की आपने देखी भी होगी भाई, हो उधर से गुजर के हमने सभी के साथ गुहार लगा ली, डांडा साहब को भी, डीसी साहब को भी। उन्होंने हमारे डिग्गी का हो रहा 98 लाख का टेंडर, दो चार थोड़ा सा मेटल गेर कर ना, रोकर कर ना, एक बार आकर ना देख कर फिर वापिस चले गए। उन्होंने काम नहीं किया, हमारी महिलाएं बहुत परेशान हो रही है पानी के लिए। हमने तो आगे भी डिमांड डाली और डीसी साहब के पास भी पहुंचा दी है कि भी हमारी पानी की समस्या का समाधान करो, लेकिन उस पानी की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है जी, बुजुर्ग महिला भी हैं, किसी के घर पर बच्चे हैं वो भी पानी की टंकी उठा के जाते हैं, कोई महिला बुजुर्ग वो भी अपने सर पर उठा के जाती है, पानी की तो दिक्कत है जी। तो सुनना नहीं आती? सुनाई ही नहीं होती जी, हमने तो बहुत गुहार लगा ली, कोई सुनता ही नहीं। बताओ क्या करें हम इसके बारे में, हमारी तो सरपंचों को ऐसो चंडीगढ़ वहाँ से पिटाई कर दी, ऐसे सोच रहे कि भी सरकार क्या है सरपंच, कुछ नहीं सरपंच, इसलिए हमारी कोई डिमांड ही नहीं रखी जा रही, रखते तो सुनाई नहीं देते। तो ऐसे में लोग आपके पास समस्या लेके आते हैं पानी की? समस्या लेकर आते हैं जी, हर रोज समस्या लेके आते हैं पानी की तो जी, सब महिलाएं सब परेशान है जी पानी के लिए तो जी, हम उसका हल नहीं निकाल पा रहे। हल कैसे निकाले, सरकार हमारी सुनती नहीं, जब तक सुनेगी नहीं तो हमारे पास हल कैसे निकलेगा, ये बताओ आप। ऐसा है सर, हमारे गांव में पानी के पीने के पानी की काफ़ी समस्या है। अभी हमारे गांव में पहले हमारा जो पूर्व सरपंच होता था से 10 साल पहले, उसे उन्होंने एक ट्यूबवेल लगा था नहर के नीचे, वो कुछ समय तो चला, 4-5 साल उसके टाइम काल में तो चल पड़ा वो, लेकिन अभी लाइन डेड होगी। काफ़ी बार मैं मांग चुका हूँ सरकार से, अभी हमारे यहाँ जो ये वाटर वर्क्स का जो काम होना था लगभग 98 लाख का टेंडर हो चुका है, लेकिन बार बार मेरे गुहार लगाने से भी ठेकेदार यहाँ मौके पर नहीं आ रहा। अभी मैंने उपाध्यक्ष महोदय को भी लिख के भेज रखा ग्राम पंचायत की तरफ से, और फिर वहाँ पर हमारी एक मीटिंग हुई थी विधायक जी की यहाँ पर, जिसमें सारा प्रशासन आया था, वहाँ भी मैंने इसकी आवाज़ उठाई थी। फिर उसके बाद में उस आवाज़ उठाने से 4 गाड़ी ट्रक की, ये 4 गाड़ी माल तो डाल गया डिग्गी में, उधर देखना आप एक बार, लेकिन उसके बाद में ठेकेदार नहीं आ रहा। बार बार मेरे यार पता नहीं क्या कारण है, ठेकेदार या तो ठेकेदार की अपनी मनमानी है या फिर प्रशासन ने उसको इतना ढीला छोड़ रखा है, ऐसे कैसे काम चलेगा। 1.5 साल टेंडर को हुए न हो लिया, अभी बार बार, अभी गर्मी का मौसम है आप देखो, टैंक सूख गए हैं पानी के, गाँव बड़ा है, पानी की जो कैपेसिटी है टैंकों की, एसएस टैंकों की जो कैपेसिटी है वो कम है, उसके कारण अभी ये माताएं बहनें 1.5-2 किलोमीटर दूर से आती हैं पानी लेने के लिए। देखो बुग्गी में आई है, बैल बुग्गी में, अभी आपने देखा होगा एक ताऊ जी स्कूटी लेके आया था, बाकी जिसके पास में जो साधन नहीं है वो ये चाची ताई हैं जो माताएं बहनें हैं अपने सिर पर लेके आए, और क्या करें मजबूरी है। समस्या पानी की भी समस्या, हमारा सारी राह की समस्या है कि मेरी समस्या पूरी होंगी मारी, हम हर वोट ले जे हैं तरी समस्या पूरी करेंगे, क्या पूरी करेंगे। पानी के लिए कितना भटकना पड़ा है, पानी का प्रलेपन मत आए हम उड़ते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।